ये वीडियो रहने वाला है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन यहाँ पर मैं उठाया हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम के बारे में, जो एक्सपेक्टेड है इसी टाइप से क्वेश्चन आपके इसमें पूछा जा सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं इस पर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश साहू और आपका मेरे यूट्यूब चैनल योगेश केमिस्ट्री पर स्वागत है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है कि टी आई एटम के लिए नीचे दिए गए ऑर्बिटल को बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित करने पर मिलेगा। तो ये ऊर्जा का क्रम है, ऊर्जा का क्रम हम किस प्रकार से निकालते हैं? ऊर्जा के क्रम के लिए हम क्या लेते हैं, एन प्लस एल। मैं बता चुका हूँ वीडियो में, एन प्लस एल रूल से हम ऊर्जा का क्रम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ क्रम पूछा गया है, तो क्या होगा टी आई के लिए? ठीक, टी आई क्या होता है, संक्रमण तत्व होता है। तो उसके आधार पर यदि 4s को मैं बात करता हूँ, तो n प्लस l इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लेंगे हम, n का वैल्यू यहाँ पर 4 है और s का वैल्यू 0। तो ये 4 + 0 इज इक्वल टू 4 मिलता है यहाँ पर। 3s के बारे में बात करता हूँ, तो 3s में क्या होगा, 3 + 0 इज इक्वल टू 3। और 3p के बारे में बात करता हूँ, तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4। और 3d के बारे में बात करेंगे, तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5। ठीक, अब यहाँ पर इसको बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम के आधार पर हम लिखेंगे, तो सबसे कम ऊर्जा किसका है, इसका है 3s का। उसके बाद आता है ऊर्जा क्रम, इसमें देखिए 4s और 3p, अगर वैल्यू अगर समान आता है तो हम कहाँ पर लेते हैं, जिसका मुख्य क्वांटम संख्या का वैल्यू कम हो, मतलब n वैल्यू कम हो। तो दोनों में से n वैल्यू देखते हैं, तो इसका कम है इसलिए आ जाएगा 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद इसका 5 है, तो ये आ जाएगा 3d। ठीक, ये ऊर्जा क्रम होने वाला है। तो ऐसा ऊर्जा क्रम बढ़ती हुई ऊर्जा क्रम में देखते हैं, तो 3s ये तो नहीं होगा, 3s यहाँ पर है, ये तीनों में है। ठीक, 3s के बाद 3p 3p 3p, दो ठो मिल रहा है। उसके बाद 4s, 4s किस में है, ये सी वाला ऑप्शन में, डी। ठीक, तो इसके लिए सही आंसर क्या होने वाला है, सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है, दो इलेक्ट्रॉन है एक्स एवं वाई को निम्नलिखित क्वांटम संख्या से दर्शाया गया है। ठीक, दो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्स वाई को निम्नलिखित क्वांटम संख्या के आधार पर दर्शाया गया है इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ पर दिया गया एन का वैल्यू 3 एक्स के लिए और वाई के लिए दिया है 3, एल के लिए 2 और 0, एम के लिए मान दिया है वैल्यू -2 और 0, और एस के लिए +1 + 1 दिया है दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक, अब इसमें पूछता है आपको सही कथन क्या होगा, इसमें एक्स और वाई की ऊर्जा आपस में बराबर होगी क्या? तो हाँ, देखिए यहाँ पर n का वैल्यू आपको क्या बताता है, मुख्य कोश की संख्या, मुख्य कोश की ऊर्जा के बारे में जानकारी देता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, 3 में है, तो हम बोल सकते हैं दोनों की ऊर्जा बराबर होगी। ये बोला जा रहा है x की ऊर्जा y की तुलना में ज्यादा है, गलत है। x की ऊर्जा y की तुलना में कम है, गलत है। और x y समान इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर रहा है, समान इलेक्ट्रॉन को तो ये प्रदर्शित नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एल का वैल्यू अलग अलग है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह पाया गया है। यहाँ पर इसमें देखते हैं तो भी अलग अलग जगह है, तो एक्स और वाई तो समान इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है इसके लिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला देखते हैं। दो इलेक्ट्रॉन जो समान कक्षक में उपस्थित है को निम्न के द्वारा विभेदित किया जा सकता है। दो इलेक्ट्रॉन जो समान कक्षा में उपस्थित है, ठीक, जैसे कि मान लेते हैं ये कक्षा है और दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस प्रकार से रहता है स्पिन क्वांटम नंबर के आधार पर। ठीक, स्पिन क्वांटम नंबर के आधार पर जो अप साइड रहता है +1 और डाउन साइड रहता है जिसका डायरेक्शन उसको हम लेते हैं -1। तो एक कक्षक है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसको सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर के आधार पर ही आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर में बी नंबर में दिया हुआ है चक्रण क्वांटम संख्या, इसके द्वारा हम इसको विभेदित कर सकते हैं। ठीक, हाइड्रोजन के उत्तेजित अवस्था के लिए संभावित ऊर्जा क्या होगा, अगला जो क्वेश्चन है, तो संभावित ऊर्जा उत्तेजित अवस्था के लिए, ठीक, और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, ये ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। अब ऑप्शन में देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। हाइड्रोजन के ऊर्जा के लिए जो फॉर्मूला होता है 13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ इस प्रकार से होता है। अब आपको पता है n बराबर 1 होता है हाइड्रोजन के लिए, ठीक, क्योंकि 1s1 करके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लेते हैं। तो यहाँ पर n बराबर 1 है और n बराबर 2 करूंगा तो क्या हो जाएगी, उत्तेजित अवस्था हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं n बराबर 2 करता हूँ तो ये 13.6 और n बराबर
दो रखूंगा तो 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉल्व करेंगे तो 13.6/4 माइनस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉल्व कर लेंगे तो इसको क्या मिल जाएगा, 4 3 12 और 4 4 16, ये माइनस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ इस प्रकार से मिलने वाला। इसके लिए जो सही आंसर क्या होगा, उस आधार पर अगर ऑप्शंस देखा जाए तो उत्तेजित करने के लिए कितना ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ये वाला ऊर्जा की आवश्यकता होगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, एन बराबर 6 के लिए इलेक्ट्रॉन भरने का सही क्रम क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से है। अब इसमें मैं यहां पर दिया हूं तो फिर से आपको क्या करना है, अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं बात किया था कुछ इस प्रकार से एन प्लस एल का नियम लगाएंगे, बस वही नियम यहां पर भी लगाना है, तो उस आधार पर देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक, एन मैं एन एस से शुरू किया हूं यहां पर, तो एन एस उसके बाद क्या मिलेगा आपको, एन पी, इसकी ऊर्जा तो ज्यादा होगी, उसके बाद एन माइनस वन डी है कि एन माइनस टू एफ है, ये सब देखना है। तो आप किसी एक को एग्जाम्पल मान लीजिए, ठीक, जैसे कि एन बराबर 6 बोला गया है यहाँ पर, तो एन बराबर मैं 6 रखता हूँ तो एन एस और एन पी सभी में वही ऑप्शन है, तो मैं एक को सॉल्व कर लेता हूँ पहले। एन एस मतलब ये क्या हो जाएगा, 6 + 0 = 6, किसके लिए, एन एस के लिए। ठीक, फिर बोला है एन पी, तो एन पी के लिए क्या होगा, 6 + p के लिए होता है 1, एल का वैल्यू तो ये हो जाएगा 7। ठीक, एन माइनस 1 डी बोला है, एन माइनस 1 डी के लिए बात करेंगे तो एन माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा, 6 दिया है यहाँ पर, तो एन 6 - 1 और डी के लिए क्या होता है, वैल्यू 2 होता है, तो ये मिल जाएगा 5 + 2 = 7। और एन माइनस 2 एफ बोला है तो ये हो जाएगा 6 - 2, एफ के लिए वैल्यू होता है 3, तो ये हो जाएगा 4 + 3 = 7। ठीक, ये इस प्रकार से अपने पास एनर्जी मिल रहा है। अब फिर से याद करना है आपको, उसका ऊर्जा कम जिसके लिए एन का वैल्यू कम। ठीक, तो यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन माइनस 1 है और एन माइनस 2 है, मतलब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर क्या है 4 है, सॉरी 5 है, और यहाँ पर ये है 4। ठीक, ये 6p, ये 5d और 4f। तो इजिली आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा क्या करना है आपको, पहले तो 6 को लेना है जो सबसे छोटा है, जो कि है ns। ठीक, उसके बाद अपने को क्या लेना है, इसमें से देखिए 4f सबसे छोटा है, सबका एनर्जी सेम हो रहा है तो 4f आ जाएगा, तो 4f क्या लिखा है, n माइनस 2 f लिखा है, उसके बाद आ जाएगा 5d आ जाएगा जो कि लिखा हुआ है n माइनस 1 d लिखा है, फिर उसके बाद आ जाएगा np। ठीक, इस प्रकार से इसका ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम होने वाला है। तो इसके लिए सही आंसर क्या आ जाएगा, ns, देखिए यहां से मैच कीजिए, ns n माइनस 2 f, तो ये आ जाएगा, फिर n माइनस 1 d और np, तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर b। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर पूछने लायक मैं सबको यहाँ पर रखा हूँ, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक, यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन है, xef बॉन्ड लेंथ का घटता क्रम क्या होगा। यहाँ पर मैं केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर क्वेश्चन बनाया हूँ, तो एक्स ई बॉन्ड लेंथ का घटता क्रम होगा इसके लिए, तो घटता क्रम यहाँ पर देखेंगे तो एक्स ई और एफ के बारे में बात करते हैं। ठीक, अगर इसकी संख्या बढ़ती जाएगी तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा, जिसके कारण से यहाँ पर जो साइज होता है ये अपने आप को अंदर की ओर घुसेड़ने का प्रयास करता है और साइज छोटा होते जाएगा जब एफ की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक, तो उस आधार पर हम बोल सकते हैं यहाँ पर F2, F4, XeF4 और XeF6 दिया हुआ है, जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी बॉन्ड लेंथ छोटा होता जाएगा, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ का घटता क्रम बोला गया है, तो बॉन्ड लेंथ का घटता क्रम हम क्या बता सकते हैं, बॉन्ड लेंथ का घटता क्रम इसके लिए, हाँ ये ऑप्शन नंबर a। ठीक, बॉन्ड लेंथ का घटता क्रम क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, संख्या बढ़ रही है बॉन्ड लेंथ छोटा होता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4p के लिए रेडियल नोड की संख्या क्या होगी। तो रेडियल नोड और एंगुलर नोड को फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपली फार्मूला लेते हैं हम, और ये फार्मूला होता है रेडियल नोड के लिए होगा n - l - 1, और एंगुलर नोड जो होता है एक, दोनों टाइप से पूछा जाता है, इसका जो वैल्यू होता है सिंपली एल होता है,
टोटल बात किया जाए टोटल नोड के बारे में, तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा, एन माइनस एल माइनस वन प्लस एल, तो ये एल एल कट जाता है और बच जाता है एन माइनस वन। टोटल नोड, एंगुलर नोड और रेडियल नोड, याद रखिएगा इसको। तो उस आधार पर यहाँ पर देखिए आपको पूछा गया है फोर पी के लिए रेडियल नोड क्या होगा। फोर पी बोला है, फोर पी तो एन का वैल्यू हो गया एन माइनस एल माइनस वन रेडियल नोड के लिए, एन का वैल्यू है 4, पी का वैल्यू, एल का वैल्यू पी के लिए क्या होता है 1 होता है, और माइनस 1 कर देंगे तो ये मिलेगा 4 में से 2 गया तो 2। ठीक, तो इसके लिए रेडियल नोड की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कौन सा ग्राफ सही नहीं है। ठीक, अब यहां पर ग्राफ आपको समझाने का क्वेश्चन यहां पर उठा रहा है, जहां पर ये सीधा सीधा जो डाउन दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये आपको नोड की संख्या के बारे में जानकारी देता है। ठीक, तो अब नोड की संख्या हम कैसे बताएंगे। ये ग्राफ बोला गया है जहां पर ये आर न्यूक्लियस से डिस्टेंस है तथा ये 4πr² साई स्क्वायर जो दिया है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन को आपको बता रहा है। ठीक, तो यहां पर देखिए कितना नोड है, बस उसी को देखना है, कौन सा ग्राफ सही नहीं है बोला है। पहला वाला ऑप्शन में आपको बोला है 2s। ठीक, यहां पर क्या दिया है 2s, तो 2, अब इसके लिए कितना नोड है, रेडियल नोड है ना ये सब, तो n माइनस एल माइनस वन से हम देखेंगे 2s के लिए, तो 2 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 मिलेगा, तो एक यहाँ पर नोड दिख रहा है जो कि सही है। ठीक, दूसरा अगर 3p के बारे में बात करते हैं, 3p के बारे में बात करेंगे तो 3, l का वैल्यू p के लिए होता है 1, माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर भी 1 मिल रहा है, यहाँ पर भी एक नोड है, मतलब ये भी सही है। 4d के बारे में बात करते हैं तो 4 माइनस डी का वैल्यू होता है 2, माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर 1। यहाँ पर बहुत सारा दिख रहा है आपको, देखिए एक दो दो नोड दिख रहा है, जबकि यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, एक मिल रहा है, तो इसलिए ये ग्राफ सही नहीं है। 3s में कैलकुलेट करके देख लीजिए, तो 3 माइनस s का वैल्यू होता है 0, माइनस 1 करेंगे तो 2, यहाँ पर दो नोड आपको क्लियरली दिख रहा है, तो सही आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, ग्राफ सही नहीं है। तो ये ग्राफ सही नहीं है, इसके लिए जो ग्राफ सही होगा वो किस प्रकार से होगा, एक है, तो इसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा ही रहने वाला है। ठीक, 4D के लिए भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार से कौन सा अणु संभव नहीं है। ठीक, कौन सा अणु संभव नहीं है, तो इसमें देखिए आप यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल लेते हैं और दोनों साइड में, और बीच में हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल लेते हैं। ठीक, और इसके लिए हम बात करते हैं कौन सा अणु संभव है कि नहीं है, उसके लिए हाफ एन बी माइनस एन ए का वैल्यू पॉजिटिव हो तो उस अणु संभव है, अगर निगेटिव या जीरो आता है तो वह अणु संभव नहीं है। ठीक, अब इसमें बात करेंगे HE2+, HE2+ जो पहला दिया हुआ है, यहाँ पर मैं एच ई लेता हूँ और एक एच ई यहाँ पर लेता हूँ। ठीक, 2+ है मतलब दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दूंगा, मैं बाहर निकाल देता हूँ। एच ई के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो यहाँ पर ये फिल होगा, इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ये होता है एंटी बॉन्डिंग एन ए, और ये हो जाएगा एन बी। ठीक, तो हाफ एन बी की संख्या है 2 माइनस 0 करते हैं तो ये अपने को मिलता है 1। ठीक, तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू 1 मिल रहा है, मतलब HE2+ संभव है। ठीक, ये संभव है। HE2+ के बारे में बात करते हैं, इसमें अब क्या बोल रहा है, दूसरा कंडीशन में यहाँ पर एक में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक में एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल प्लस है, तो एक ही प्लस निकालना है, एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उस कंडीशन में यहाँ से एक और ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाता है ऊपर में, तो इसके लिए अब बन जाएगा हाफ 2 माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर हाफ मिलेगा, जो कि पॉजिटिव है अभी भी यहाँ पर, तो पॉजिटिव वैल्यू है तो ये भी संभव है। ठीक, दूसरा वाला भी संभव हो रहा है। अब तीसरा देखते हैं H2- के बारे में। ठीक, अब फिर से यहाँ पर मैं बना लेता हूँ H2-, तो H हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर माइनस चार्ज लग गया है, तो बिल्कुल सेम कंडीशन मिल रहा है HE2+, तो ये भी संभव है। ठीक, अब दूसरा देखते हैं H2 2-, H2 2-, तो 2- करूंगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से,
वैसा ही यहां पर फिल हो जाएगा। तो एन बी की संख्या 2 है और एन ए की संख्या भी 2 है, हाफ कर देंगे दोनों का, यहाँ पर 0, तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए एच टू टू माइनस संभव नहीं है। सही आंसर होगा ये वाला। ठीक, यौगिक जिसमें सहसंयोजक बंध नहीं है, किसमें सहसंयोजक बंध नहीं है, ऑप्शन यहां पर देख सकते हैं, KCl, PS3, O2, B2S6, H2SO4 यहां पर दिया हुआ हूं। सहसंयोजक बंध नहीं है, सहसंयोजक बंध नहीं होगा तो क्या होगा, आयनिक बंध होगा, और आयनिक बंध का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, इसका या तो हैलाइड होगा, या तो हाइड्राइड होगा, या तो फिर ऑक्साइड होता है। ठीक, हैलाइड होता है, हाइड्राइड होता है, ऑक्साइड होता है, या तो हाइड्रोक्साइड होगा, यही क्या होता है, आयनिक बंध बनाता है। ठीक, तो उस कंडीशन को हम यहां पर खोजेंगे, सहसंयोजक बंध नहीं है। तो एक चीज यहां पर और ध्यान में रख लीजिएगा, सिर्फ सहसंयोजक बंध के बारे में पूछा जा रहा है, तो हैलाइड, हाइड्राइड या ऑक्साइड, इसी तीनों कंडीशन को ही खोजना है। हाइड्रोक्साइड में ओ बॉन्ड एच होता है, तो यहाँ पर एक सहसंयोजक बंध आ जाता है, तो ये वाला ऑप्शन इसमें नहीं आएगा, बाकी ये भी आयनिक बंध ही बनाता है। अब सहसंयोजक बंध नहीं है पूछा गया है आपको, तो यहाँ पर देखिए, तो सिर्फ फर्स्ट ग्रुप का एक ही कंडीशन मिल रहा है, बाकी कहीं पर नहीं दिख रहा है, ये भी है, लेकिन SO4 के बीच में सहसंयोजक बंध आ जाएगा, इसलिए सही ऑप्शन क्या होने वाला है इसके लिए, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं, कौन सा कथन सत्य है आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर, जैसे कि अभी मैं बात किया, तो यहां पर देखते हैं क्या होना चाहिए, अभी हम बात किए हाफ एन बी माइनस एन ए, और इसका वैल्यू पॉजिटिव है तो अणु बनेगा, स्थाई होगा, निगेटिव या जीरो आता है तो ऐसा अणु संभव नहीं है। ठीक, तो पॉजिटिव कब आएगा, जब एन बी का वैल्यू बड़ा हो एन ए से। ठीक, क्या होना चाहिए, एन बी बड़ा होना चाहिए एन से, बस इसी चीज को खोजना है आपको यहाँ पर, एन बी बड़ा होना चाहिए, तो कंडीशन ये है, कथन सत्य है एन बी एन ए बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आएगा और अणु स्थाई होगा। यहाँ पर देखिए अणु स्थाई का ही कंडीशन लिखा हुआ है, तो अणु स्थाई कंडीशन कब मिलेगा, जब एन बी का वैल्यू ज्यादा हो, उसी कंडीशन में पॉजिटिव मिलेगा और वहीं पर यह स्थाई होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। XeF6 की ज्यामिति होगी, इस पर मैं बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कराया था जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा था लेक्चर, अगर आपको यहाँ पर क्लियरली समझ ना आए तो लेक्चर पर जाइए, टॉपिक लेक्चर पर, और वहां से इसको देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। इसमें मैं बात करता हूँ, लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, Xc का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिया जो कि 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और 6 फ्लोरिन के कारण से 6 बंध यहाँ पर बन जाएगा। ठीक, 2 2 4 और 2 6, ठीक, 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचेगा, तो यहाँ पर एक लोन पेयर बन जाएगा। फिर मैं बात करता हूँ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की संख्या, आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या के बारे में जानकारी देता है, 6 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, टोटल मिला के 7, और जहां पर 7 कक्षक यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ये हो गया 4 और ये 2 मिला के 6 और एक 7। ठीक, ये D3 हो जाएगा, जहां पर 7 कक्षक होते हैं, ये पहले क्या करता है, पंचभुजा बनाता है और एक ऊपर एक नीचे, मतलब 2 पिरामिड बनाएगा। ठीक, यहाँ पर एक लोन पेयर है और ये लोन पेयर यहाँ पर खड़ी पर होगा, तो उस कंडीशन में आपको 5 1 6 कक्षक मिल रहा है। ठीक, ये 6 कक्षक अब क्या करेगा, अष्टफल की व्यवस्था में व्यवस्थित होने का प्रयास करेगा, ये थोड़ा सा अपवादित केस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर भी यहीं पर कैपिंग कंडीशन में रहता है, टोपी पहना हुआ कंडीशन में, इसलिए अष्टफल की स्ट्रक्चर को ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड कर देता है, जिसके कारण से विकृत अष्टफल की ज्यामिति आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक, तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये विकृत अष्टफल की ज्यामिति प्राप्त होने वाला है। यदि किसी परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना दिया हुआ है, तो परमाणु क्रमांक क्या होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए नियान दिया हुआ है और 3s2 3p3 करके दिया हुआ है, नियान का होता है 10, आपको पता होगा, और यहाँ पर तो और कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 10 5 15, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक क्या होगा उसका, 15, ऑप्शन नंबर सी। संकरित कक्षक की s कैरेक्टर घटने पर क्या होने वाला है, संकरित कक्षक का s कैरेक्टर, तो जैसे कि थोड़ा सा बात कर लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन,
sp2 और sp3, सिर्फ ये तीनों में बात करके देखते हैं। यहाँ पर s करेक्टर 50% होता है, यहाँ पर कितना होता है 33% होता है, और यहाँ पर 25% होता है। s करेक्टर घट रहा है, यहाँ पर बॉन्ड के बारे में बात करते हैं तो 120 डिग्री, यहाँ पर 120 और यहाँ पर 109। ठीक, क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। संकरित कक्षक की एस करेक्टर घटने पर क्या होगा? बंध कोण घटती है, बंध शक्ति बढ़ती है, बंध लंबाई बढ़ती है, सही कथन क्या होगा? ठीक, तो एक तो बॉन्ड एंगल पर दिया हुआ है, और दूसरा बंध शक्ति पर दिया है, तीसरा बंध लंबाई पर दिया है। तो यहां पर आप देखेंगे तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है, एसी ट्रेन एक्स का एग्जाम्पल होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अगर इसको पकड़ते हैं आप तो आप देखेंगे जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना ही ज्यादा बंध ऊर्जा होता है, और उतना ही इनवर्स रिलेशन में बॉन्ड लेंथ होता है। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी और इनवर्सरी रिलेशन बॉन्ड लेंथ। ठीक, ये इस प्रकार से कॉन्सेप्ट होता है। तो आप उस आधार पर यहाँ पर खोजिए कौन कौन सा आंसर सही बैठ रहा है इसमें। आपको ऑप्शन में चॉइस करना है और बताना है कि क्या क्या सही। बंध कोण घटती है, तो देखिए यहाँ पर बंध कोण घटती है क्या, एस कैरेक्टर घटने पर बोला है, एस कैरेक्टर घट रहा है तो बंध कोण घटती है। हाँ सही है, बंध कोण घटती है। ठीक, बंध कोण घट गया। दूसरा बंध शक्ति बढ़ती है, बंध शक्ति एस कैरेक्टर घटने पर बंध शक्ति भी घटती है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है बढ़ती है तो ये आंसर गलत हो रहा है। बंध लंबाई बढ़ती है, तो हाँ बंध लंबाई बढ़ेगा क्योंकि बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर का इनवर्सरी रिलेशन क्या होता है, बॉन्ड लेंथ, तो इसका लेंथ ज्यादा होगा इसका लेंथ कम होता है। बंध लंबाई बढ़ती है, तो हाँ बढ़ती है, तो ये पहला और तीसरा बस सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसको बोलते हैं? ऐसा कोई यहाँ पर पेयर खोजना है आपको जिसमें इलेक्ट्रॉन की युग्मों की संख्या आपस में बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होना चाहिए। तो इसमें खोजते हैं नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है माइनस चार्ज के कारण से, टोटल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन पर होता है 9 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है तो टोटल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन, और सोडियम का होता है 11, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट इसी में मिल रहा है। इसी प्रकार और सबको आप एड करके देख सकते हैं, किसी में भी ऐसा सम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या जहां पर समान होगा जो पेयर दिया है वहां पर, उसी को अपने को क्या समझना है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज समझना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म संसंरचनात्मक नहीं है? संसंरचनात्मक नहीं है बोला है ना, तो आप याद रखिएगा यहाँ पर संरचना समान कब होगा, संरचना कब समान होगा, जब जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट से देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हो, वहां पर देखना है आपको कैसा कैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, उसी के आधार पर हम बात करेंगे। तो देखते हैं इसमें, जैसे कि मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ IO3- और XeO3। अभी जैसे कि मैं पहले बात किया था वैसा ही बात करूंगा, यहाँ पर सेंट्रल एटम लूंगा, लेविस स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आयोडीन के लिए होता है 7, तो ये हो गया 2 2 4 2 6 1 7। ठीक, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, माइनस चार्ज लगा हुआ है उसके कारण से 1 इलेक्ट्रॉन और होगा आयोडीन के पास। 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को एक साथ पकड़ता है, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से हो जाएगा, 3 बॉन्ड पेयर हो गया और 1 लोन पेयर हो गया, टोटल मिला के 4। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, 1 लोन पेयर है। XeO3 में तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में, और 3 ऑक्सीजन है इसके पास भी, 3 इलेक्ट्रॉन ये भी ले लिया। ठीक, 1 लोन पेयर है। अब देखिए बिल्कुल सेम दिख रहा होगा IO3- और यहाँ पर, ठीक यहाँ पर भी आपको 4 मिला, यहाँ पर भी 1 लोन पेयर है, यहाँ पर भी 1 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड यहाँ पर भी है, तो सम स्ट्रक्चर कौन सा बनाएगा, ये वाला बनाएगा। बाकी किसी में भी बात करते हैं वहां पर आपको नहीं मिलने वाला है। जैसे कि मैं PF6- और SF6- का बात करता हूँ तो भी आपको इस टाइप से स्ट्रक्चर नहीं मिलने वाला है। ज्यादा टाइम पास नहीं करता हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप और दूसरा को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुवणता का घटता क्रम होगा, ध्रुवणता का घटता क्रम होगा तो इसके लिए क्या बोलते हैं, ध्रुवणता का कॉन्सेप्ट हम फजन रूल से देखते हैं। इसको भी मैं वीडियो में, जितना भी टॉपिक मैं यहाँ पर बता रहा हूँ सबको मैं टॉपिक वाली वीडियो पर चर्चा कर चुका हूँ, वहां से आप अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा तो क्लियर डिटेल से देखना है तो वहां से जाकर देख सकते हैं।
ध्रुवणता का कॉन्सेप्ट अपने को मिलता है फजन रूल से, और उसके आधार पर हम बोलते हैं धन आयन की संख्या छोटी होनी चाहिए और ऋण आयन की संख्या बड़ी होनी चाहिए। ठीक, तो ऋण आयन की संख्या बड़ी कब होगी? ऋण आयन की संख्या यहाँ पर बड़ा ज्यादा, जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका ध्रुवण क्षमता उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पर आपको हेलोजन के कॉन्सेप्ट में ही दिया है, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बड़ा होता है, तो हम बोल सकते हैं फ्लोरीन का साइज छोटा और आयोडीन का साइज बड़ा। धन आयन का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा ध्रुवण की क्षमता उतना ही ज्यादा होगा, इसलिए आयोडीन का सबसे ज्यादा, ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन का। ऑप्शन नंबर डी, ये वाला ऑप्शन सही होगा। निम्न युग्म में समान बंध क्रम है, किसमें समान बंध क्रम है आपको खोजना है। तो समान बंध क्रम के लिए मैं बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको पहले ही बता चुका हूँ, 14 के लिए क्या होता है, 3 होता है, फिर आप ऊपर नीचे जाते हैं तो 0.5 माइनस करते हुए चलते हैं। 14 के लिए 3, 15 के लिए कितना हो जाएगा, ढाई, 16 के लिए हो जाएगा 2, 17 के लिए हो जाएगा 1.5 और 18 के लिए हो जाएगा 1। इस प्रकार से देखते हैं, फ्लोरीन में बात करते हैं कितना है, 9 दुनिया 18। ठीक, फ्लोरीन में एक में कितना होता है, 9, 9 दुनिया 18, तो ये हो गया फ्लोरीन के लिए एक। ठीक, ओ टू, टू माइनस ओ टू, तो ओ टू, ओ के लिए होता है 16। ठीक, ओ टू के लिए कितना हो जाएगा, 16, और 2 माइनस चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया तो हो गया 18। तो 18 यहाँ पर फिर से 18 के लिए कितना होता है, एक होता है, तो O2 2 माइनस और F2 दोनों के लिए क्या हो रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक बॉन्ड आएगा यहाँ पर, दोनों समान बंध में है। दूसरा, यहाँ पर N2 और CO2 के बारे में बात कर सकते हो, तो N2 और CO2 में देखेंगे तो N2 के लिए कितना होता है, 14, 14 के लिए आता है 3, और कार्बन ऑक्सीजन के लिए देखते हैं तो कार्बन का होता है 6, ऑक्सीजन का होता है 8 दूनी 16, तो ये हो गया 16 6 22, दोनों के लिए अलग अलग आ जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर सबको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इसमें समान बंध क्रम इसी में आएगा। ठीक, दो तत्व जिसके लिए इस प्रकार से कंडीशन दिया हुआ है, Z1 X का पावर A1 तथा Z2 Y का पावर A2 है। यहाँ पर कंडीशन दिया है A1 और A2 बराबर नहीं है, मतलब इसका जो भार है वो बराबर नहीं है, परमाणु क्रमांक भी आपस में बराबर नहीं है, लेकिन A1 माइनस Z1 A2 माइनस Z2 के बराबर है, तो दोनों तत्व आपस में क्या कहलाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, A परमाणु भार है और क्रमांक है Z, तो परमाणु भार से हम क्रमांक को घटाते हैं तो क्या मिलता है अपने को, न्यूट्रॉन। ठीक, अब यहाँ पर वही किया हुआ है, A1 Z1, A2 Z2, दोनों का जो अंतर है वो आपस में बराबर है बोला है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या पहले कंडीशन में और दूसरे कंडीशन में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, तो हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक को बोला जाता है इंग्लिश में आइसोटोन, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की निम्न में से कौन सी व्यवस्था अधिक स्थायी होगी? ठीक, कौन सी व्यवस्था अधिक स्थायी होगी, तो जो मूल अवस्था होती है वही सबसे ज्यादा स्थायी होगी। यहाँ पर आप बाहू का रूल और हुंड का रूल अपने को फॉलो करते हुए जाना है। ठीक, यहाँ पर देखिए, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, 4s, तो ये भी सही ऑप्शन है। क्यों? यहाँ पर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन के बाद यहाँ पर एक 4 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लेता है, यहाँ पर हाफ स्टेबिलिटी कंडीशन, क्रोमियम। ठीक, तो ये भी एक सही ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऐसा ऑप्शन नहीं आ सकता है, क्योंकि आप बाहू रूल पर देखेंगे तो 4s पर पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद डी में जाता है। यहाँ पर देखिए, तो इसमें देखिए दोनों का जो डायरेक्शन है वो उल्टा पुल्टा है, तो ऐसा भी है स्थायी कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे को यहाँ पर कैंसिल करने का कोशिश करेगा। यहाँ पर बात करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर हाफ स्टेबिलिटी शो करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, जिससे ये पहला कंडीशन आ जाएगा। ठीक, तो इसके लिए जो अधिक स्थायी वाला कंडीशन होगा कुछ इस प्रकार से होगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर अपना हाफ स्टेबिलिटी शो करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डी कक्षक की आकृति होती है। डी कक्षक की आकृति तो आपको पता ही है, दोहरा डमरू के आकार का होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा अल्फा कणका डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान हो तो किसकी गतिज ऊर्जा का मान अधिक होगी? अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे तो अपने को देखना पड़ेगा। बात करते हैं, इसमें गतिज ऊर्जा का मान अधिक होगा किसके लिए, यहां पर बोला गया है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, लैम्डा बराबर ये होता है
एच बाई अंडर रूट टू एम ई कुछ इस प्रकार से होता है। ये ई आपको क्या बता रहा है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानकारी दे रहा है। इलेक्ट्रॉन फोटॉन तथा अल्फा कण का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान है, मतलब ये सबका समान है ठीक। तो ये पूछा जा रहा है किसकी गतिज ऊर्जा का मान अधिक होगा, तो इसमें रिलेशन क्या बन रहा है, इसमें अगर देखेंगे रिलेशन तो ई सीधा सीधा व्युत्क्रम रिलेशन बना रहा है एम का। अब हम बोलेंगे यहाँ पर किसके लिए गतिज ऊर्जा का मान अधिक है, तो जिसका भार कम होगा उसका गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा। उस आधार पर देखेंगे भार किसके लिए कम होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या अल्फा कण। अल्फा कण का भार 4 होता है, प्रोटॉन का 1 होता है, और इलेक्ट्रॉन के लिए सापेक्षिक में तो 1 लेते हैं, लेकिन अगर ईएमयू में भार देखा जाए तो ये 0.005 होता है, ये होता है 4.8 में, सॉरी 1 होता है इसके लिए, इसके लिए 0.005, इसके लिए 1 और इसके लिए 4 ठीक। तो इसका भार सबसे कम है तो इसकी गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा। उपकोष एल बराबर 2 तथा एन बराबर 4, उपकोष एल बराबर 2 तथा एन बराबर 4 के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे, एन बराबर 4 दिया है और एल बराबर 2 दिया है। 2 मतलब क्या है, ये डी कक्षक को बताएगा, 0 1 2 एस पी डी करके हम देते हैं, तो 2 आपको डी के बारे में जानकारी देगा, मतलब ये है 4d ठीक। तो उसको उससे अपने को मतलब नहीं है ठीक, एल बराबर 2 जो दिया है उसको आपको देखना है क्या दिया है। तो यहाँ पर 4d मतलब ये डी कक्षक दिया हुआ है, और डी कक्षक में 5 अभिविन्यास पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 ठीक। तो अब इसमें पूछा गया अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी जिसका चक्रण समान होगा, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में और 5 इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में, इस प्रकार से बोलेंगे। तो जिसका चक्रण समान हो, चक्रण किसका किसका समान है, ये 5 इलेक्ट्रॉन का चक्रण समान है और ये 5 इलेक्ट्रॉन का चक्रण समान है, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसके चक्रण समान है क्या हो जाएगा, 5, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, यदि एम एच ई बराबर एच ई रेशियो एम एच इज इक्वल टू 4:1 दिया हुआ है, तो तब अल्फा कण, अल्फा कण मतलब एम एच ई, अल्फा कण एवं प्रोटॉन की स्थिति में अनिश्चितता समान होगा, तब वेग में अनिश्चितता क्या होगा, कुछ इस प्रकार से दिया जा रहा है ठीक। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या बोलता है, डेल एक्स इंटू डेल पी और ये बड़ा होगा एच बाई 2 पाई के, सॉरी 4 पाई के, इस प्रकार से होता है ठीक। ये 4 पाई इस प्रकार से आपको लेना होता है, तो ये डेल एक्स और पी को हम बोलते हैं एम भी, तो ये हो जाएगा एम डेल भी बड़ा या बराबर एच बाई 4 पाई, इस प्रकार से हम ले सकते हैं यहाँ पर। अब ये बोला जा रहा है यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर भार दिया हुआ है आपको 4:1 में, तो अल्फा कण और प्रोटॉन की स्थिति में अनिश्चितता समान है, एक्स को समान बोला गया है, तो वेग में अनिश्चितता क्या होगा, यहीं पर आपको पूछा गया है। ये कांस्टेंट ये आपको बराबर दिया हुआ है, तो एम डेल भी आपको यहाँ पर रिलेशन बना रहा है दूसरे का और पहले का, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये ले लेते हैं एच ई और ये हो जाएगा एच सॉरी एच ई के लिए इधर, और इधर ले लेते हैं प्रोटॉन के लिए ठीक। तो आपको भार का दिया हुआ है एम एच ई और एम एच ये ठीक, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसको मैं इधर लाया हूँ, ये यहीं पर रहेगा वी एच बाई वी एच ई, कुछ इस प्रकार से होगा। वेग में अनिश्चितता का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर ये बोला गया है 4:1, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा क्या हो जाएगा वी एच बाई वी ई, इसको मैं उल्टा करूंगा तो ये हो जाएगा 1/4। आपको पूछा गया है वी एच ई बाई वी एच का वैल्यू पूछा गया है, तो आप इसको क्या बोलोगे, 1:1:4, इस प्रकार से हम बताएंगे यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 का। एच एटम की ऊर्जा के संबंध में सत्य है ठीक, एच एटम की ऊर्जा के संबंध में सत्य क्या है, तो इसमें देखिए आप क्या सत्य है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं एनर्जी बढ़ते जाता है। अभी कुछ देर पहले हम सॉल्व किए थे, कुछ इस प्रकार से था, इसके लिए फॉर्मूला एन स्क्वायर जो कि माइनस वैल्यू पर होता है, अगर हम बढ़ाते जाएंगे ये संख्या कम होते जाएगा निगेटिव में, मतलब हम बोलेंगे कि एनर्जी बढ़ते जाएगा, तो E3 ज्यादा हो जाएगा E2 से और E2 ज्यादा होगा E1 से, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा यहाँ पर ये ऑप्शन भी सही होता है E2, यहाँ पर जितना छोटा सा छोटा का हम अंतर लेते हैं वो ज्यादा आता है ठीक। और यहाँ पर देख सकते हैं
पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा। तो तीसरा कक्षा की ऊर्जा आपस में सबका बराबर होगा लगभग, यहाँ पर ये दूसरा कक्षा आपस में बराबर होगा और ये पहला कक्षा। तो सभी ऑप्शन यहां पर सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। N2 अणु की अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में पाई जाती है? आप बाउर रूल के आधार पर देखेंगे तो क्लियरली दिखता है N2 कक्षक की अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, सिग्मा 2pz में पाया जाता है। आप देख सकते हैं इसको, O2 प्लस के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा? ठीक, O2 प्लस के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा? O2 के लिए हम बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होता है π*2px π*2py पर एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब यहां पर बोला गया है आपको O2 2 प्लस, मतलब दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है, तो यहीं से निकलेगा ये खाली, मतलब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं पाई जाएगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जीरो, इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा जीरो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी कौन से क्षेत्र में तरंग संख्या प्रदर्शित करती है? ठीक, तो आप इसको याद रखिएगा, एक होता है लाइमन, ये होता है यूवी रेंज में, उसके बाद आता है बामर, ये आता है विजिबल रेंज में, उसके बाद और जो भी सीरीज आता है लाइमन, बामर, फंड, हम्बली, इस प्रकार से जो सीरीज के बारे में बात करते हैं ये बाकी सब आता है IR पर। तो सिर्फ यहीं पर क्वेश्चन बनाता है, लाइमन यूवी पर रहता है और बामर विजिबल पर होता है। तो बामर सारणी कौन से क्षेत्र की तरंग संख्या प्रदर्शित करेगा? दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में ये पाया जाता है। अगला देखते हैं, दो रेडिएशन जिसकी ऊर्जा क्रमशः 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्रमशः λ1 तथा λ2 में संबंध होगा। ठीक, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, मतलब एक एनर्जी कंसिडरेशन किया हुआ है और आपको बोला जा रहा है, तो क्या होगा? λ1 के लिए h/2m और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस प्रकार से रिलेशन होता है ये पहला कंडीशन के लिए। और दूसरा कंडीशन के लिए मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा √2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, दो रेडिएशन जिसकी ऊर्जा क्रमशः इतना इतना है और तरंग दैर्ध्य में संबंध क्या होगा? तो सीधा सीधा अपने को मतलब यहां से है, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा। तो λ1/λ2 इज इक्वल टू, पहला वाला कंडीशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये हो जाएगा दूसरा वाला कंडीशन। ठीक, अंडर रूट में रखा जा सकता है, इसको अंडर रूट में है। संबंध क्या होगा पूछा गया है, पहला कंडीशन आपको दिया है क्वेश्चन से, यहां से देखिए, पहला कंडीशन में दिया है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा में 50, तो यहाँ पर रख देता हूँ, पहला कंडीशन है 25 और दूसरा है 50, 25 से कम, 25 दूनी, तो ये हो जाएगा √2/1। इस प्रकार से रिलेशन मिलने वाला है, और कहाँ गया ऑप्शन इसका, तो उस आधार पर देखेंगे इसमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है, क्वेश्चन गलत हो रहा है। ये सॉल्व इसी प्रकार से करना है अपने को, तो ठीक, अगर उस हिसाब से देखना रहता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन ये भी ऑप्शन गलत हो रहा है। सॉल्व अगर एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे तो √2/1 मिल रहा है। ठीक, अगला देखते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब यहाँ पर क्या खोजना है अपने को, इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें समान है। तो फिर से इजी है ये, इसको कैसे खोजेंगे हम, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे समान खोजेंगे? तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर इसका परमाणु क्रमांक को क्या करते हुए चलेंगे, जोड़ते हुए जाना है, और माइनस चार्ज है तो जोड़ देना है जितना माइनस चार्ज रहेगा, और प्लस चार्ज को घटा देना है। ठीक, उसी प्रकार से करना है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि CO के बारे में बात करता हूँ, CO के लिए क्या हो जाएगा, कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 8 मिला के 14। CN- के बारे में बात करता हूँ, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 और एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया 14। उसी प्रकार से NO+ के बारे में बात करता हूँ, तो नाइट्रोजन का हो गया 7, ऑक्सीजन का 8 और एक प्लस चार्ज है तो माइनस हो जाएगा, तो हो गया 7 7 14। ठीक, C2 2-, कार्बन के लिए 6, दो कार्बन है तो 6 6 12, और दो निगेटिव चार्ज है तो दो और जोड़ देंगे तो ये हो गया 14। ठीक, इसी प्रकार से आपको देखना है, तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, बाकी सब में इस प्रकार से नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्त मार्ग में
चक्कर लगाता है, उसका अनुसरण करता है। कौन सा मॉडल है? सोमरफेल्ड का मॉडल है ये। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बामर श्रेणी में अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य के लिए हम क्या करेंगे, अधिकतम तरंग दैर्ध्य बामर सीरीज के लिए, अब इसको सीरीज के लिए हम बात करते हैं, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ पर रिडबर्ग का कॉन्स्टेंट आ जाएगा और ये हो जाएगा n1 माइनस n2 का स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से फार्मूला लिया जाता है इसके लिए। और अधिकतम तरंग दैर्ध्य कब प्राप्त होगा, जब बहुत कम एनर्जी हो, मतलब एनर्जी गैप कम हो, 2 से 1 में आएगा, ठीक, 2 से 1। और ये बामर सीरीज होता है, n1 बराबर 2 होता है और n बराबर 2 बराबर ये हाफ लेना पड़ेगा 3, मतलब r यहाँ पर ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। यहीं पर सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा, तरंग दैर्ध्य मिलेगा 1 बाय लेमडा बराबर, और ये होता है 101 930, लगभग थोड़ा सा भूल रहा हूं मैं इसको, 101 930 लगभग ऐसे ही टाइप से रहेगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय 4 1 बाय 9। इसको एग्जैक्ट सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर अपने को इसी में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, फिर से कैलकुलेशन करूंगा, टाइम लगेगा, आप इसी प्रकार से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसी में से कोई एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु की एनथ बोर कक्षा की ऊर्जा होगी, हाइड्रोजन परमाणु की एनथ बोर कक्षा की ऊर्जा, तो सीधा सीधा हम क्या देखते हैं, ऊर्जा बराबर -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी ऊर्जा होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाएगा। निम्न में से किसमें बंद कोण का मान 120 डिग्री है? बंद कोण का मान 120 डिग्री किसमें होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, और आपको याद होगा ये तो रट्टा मारा हुआ रहता है, bcl3। स्थायित्व का घटता क्रम क्या होगा? स्थायित्व का घटता क्रम हम कैसे दे सकते हैं? स्थायित्व के घटते क्रम के लिए जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका स्थायित्व ज्यादा होगा। अब बॉन्ड ऑर्डर के लिए फिर से मैं बात करूंगा, क्या 14 के लिए 3 बॉन्ड होता है, 16 के लिए 2 बॉन्ड होता है, 15 के लिए कितना होगा, 2.5 होगा, और 17 इलेक्ट्रॉन के लिए 1.5 होगा। खोजिए इसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए O22 माइनस, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 16 तो ऑलरेडी है और 2 इलेक्ट्रॉन एनायन के रूप में, ये हो गया 18 के लिए हो जाएगा 1 16 2 18। फिर उसके बाद देखते हैं O2 माइनस, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17 हो गया, और O2 के लिए बात करते हैं तो ये हो गया 16, और O2 प्लस के लिए बात करते हैं तो ये हो जाएगा 15, ठीक, ये इस प्रकार से है। 18 के लिए कितना दिख रहा है अपने को, 1, 17 के लिए 1.5, 16 के लिए 2, और ये हो जाएगा 2.5। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा स्थायित्व, तो स्थायित्व का क्रम देखेंगे तो O2 प्लस के लिए सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद O2, फिर O2 माइनस, फिर आ जाएगा O2 2 माइनस, ठीक, इस प्रकार से लेना है। O2 प्लस सबसे ज्यादा इसमें है, फिर O2, ये वाला सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, घटता क्रम कुछ इस प्रकार से अपने को मिलेगा। अगला देखते हैं, H2O द्विध्रुव अणु है जबकि BeF2 नहीं है, इसका कारण क्या है? H2O द्विध्रुव अणु होता है जबकि BeF2 नहीं होता है, कारण क्या है? तो इसमें हम देखेंगे H2O कोणीय होता है जबकि BeF2 रेखीय होता है। द्विध्रुव आपको कहाँ पर मिलेगा? द्विध्रुव आपको इरेगुलर स्ट्रक्चर पर ही प्राप्त होता है, जैसे कि रेगुलर स्ट्रक्चर अगर लीनियर शेप है, लीनियर शेप sp में, ठीक, sp2 का क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक, तो ये रेगुलर स्ट्रक्चर हो गया। sp3 का टेट्राहेड्रल लेते हैं, sp3d का क्या लेते हैं हम, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, और sp3d2 का हम लेते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो ये जो भी रेगुलर स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, अगर वैसा कोई कंपाउंड है तो उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 होता है, ठीक, अगर इरेगुलर हो जाता है तो वहां पर आपको डाइपोल मोमेंट मिलने वाला है, ठीक। तो ऐसा यहाँ पर H2O कोणीय है जो कि इरेगुलर होता है, sp3 होना चाहिए, sp3 के कारण से यहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना था, लेकिन ये कोणीय होता है इसलिए यहाँ पर द्विध्रुवागुण होगा। BF2 रेखीय है जो कि रेगुलर है इसलिए यहाँ पर द्विध्रुवागुण नहीं होगा, ठीक, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता है? अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक, तो इसके लिए देखेंगे
तो एन टू प्लस में बात करते हैं, तो एन टू प्लस आप देखे होंगे एन टू का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो सिग्मा टू पी जेड में जाता है, जहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं ठीक एन टू में। लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कमी बता रहा है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा एन टू प्लस में, अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। जहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वहां पर अनुचुंबकीय व्यवहार। ओ टू में देखते हैं तो यहाँ पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। सी ओ के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आप याद रखिएगा, अगर हेट्रो एटम के बारे में बात करते हैं, मैं लेक्चर में बता चुका हूँ यहाँ पर अनुचुंबकीय व्यवहार या चुंबकीय व्यवहार कैसे निकालना है। तो यहाँ पर जो हेट्रो एटम रहेगा उसका परमाणु क्रमांक को जोड़ना है, कार्बन और ऑक्सीजन का जोड़े तो 6 और 8 मिला के ये हो गया 14। अगर ये योग सम संख्या मिलता है तो प्रतिचुंबकीय, अगर ये संख्या विषम संख्या में मिलता है जैसे कि 15 मिलता या 13 मिलता, तो यहाँ पर ये अनुचुंबकीय होता है। तो ये उस आधार पर क्या है, प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता है, तो ये अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा। सामान्य स्थिति में कौन सा स्पीसीज नहीं पाया जाता, तो कौन सा स्पीसीज नहीं पाया जाएगा सामान्य स्थिति में, तो जिसके लिए बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वैसा स्पीसीज नहीं मिलेगा ठीक। तो अब देखिए किसमें, अब एन बी और एनी की संख्या बराबर किसमें हो रहा है, वही वहां पर इसके लिए सही नहीं बैठेगा। तो अब देखिए यहाँ पर बेरिलियम के बारे में बात करते हैं, बेरिलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन ठीक। उसी प्रकार से एक और बेरिलियम लेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s में दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन और बचा जो कि चला जाएगा सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s में, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। तो एंटी बॉन्डिंग की संख्या और बॉन्डिंग की संख्या सब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बराबर है, Nb-Na का हाफ लेना होता है, ये बराबर हो गया तो 0 हो जाएगा, ओवरऑल 0 हो जाएगा। जहां पर 0 मिलता है वैसा अणु संभव नहीं होता है, इसलिए Be2 अणु संभव नहीं है, बाकी सब संभव होगा, निकाल के देख सकते हैं, वहां पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलने वाला है। अगला देखते हैं पेंट 2-in-4-ion, इसमें सिग्मा एवं पाई बंडो की संख्या कितनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पेंट 2-in और 4-ion ठीक। यहाँ पर मैं पेंट 2-in पेंट लिख देता हूँ, पहले पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 2-in बोला है दूसरा में, अगर मैं इसको पहला बोलता हूँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, दूसरा नंबर में क्या है इन है, तो ये हो गया दूसरा नंबर इन, और चौथा नंबर में है आइन मतलब ट्रिपल कार्बन है, इस प्रकार से 4-in 2-in 4-ion। इसमें सिग्मा और पाई बॉन्डों की संख्या क्या होगी, अब आप यहाँ पर देखिए कार्बन का संयोजकता 4 होता है, ये 3 और 1 4 ठीक, 3 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पर है, तो टोटल मिला के हो गया 4। यहाँ पर डबल बॉन्ड है और ये 3 3 बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड और चाहिए इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर 2 और 1 3, यहाँ पर एक और चाहिए तो ये हो गया 4, और ये वाला कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ा है मतलब इसके पास 3 हाइड्रोजन और प्रेजेंट है ठीक। ये इस प्रकार से होगा इसका स्ट्रक्चर, कितना अब सिग्मा बॉन्ड है पाई बॉन्ड है, तो कोई भी यहाँ पर बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, ट्रिपल एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है बाकी सब पाई बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ पर 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी ये दोनों पाई बॉन्ड है, 1 2 और 3, 3 पाई बॉन्ड है। ऑप्शन में खोज के देखिए 3 पाई बॉन्ड वाला ऑप्शन अगर कोई मिलता है तो ठीक, नहीं है तो ज्यादा, ये तो 9 हो गया, यहाँ पर 2 या 5 यहाँ पर 3, तो इसके लिए सही ऑप्शन यही होगा 10 सिग्मा बॉन्ड इसमें बोला गया है, कैलकुलेट करके देख सकते हो आप, 1 यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार वह स्पीसीज जिसमें केवल पाई बॉन्ड पाया जाता है, तो आप इसको रट्टा मान लीजिएगा, इसका आंसर होता है C2। अगर चेक करेंगे आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार से, तो देखिएगा यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो कि पाई ऑर्बिटल होता है, पाई एक्स और पाई वाई वहां पर जाता है, इसलिए यहाँ पर केवल और केवल सिर्फ पाई बॉन्ड पाया जाता है ठीक। याद रखिएगा इसका आंसर है C2। अब अगला क्वेश्चन बात करते हैं, Hg+ आयन के लिए लाइमन श्रेणी पर अधिकतम तरंग दैर्ध्य होगी, अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्या होगी Hg+। यहाँ पर देखिए जो लाइन ये जो सीरीज होता है मतलब ये बोर सीरीज बोर मॉडल के अनुसार से ये स्पेक्ट्रम निकाला जाता है,
जो कि सिर्फ और सिर्फ यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर लागू होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर ही लागू होता है। उस आधार पर देखते हैं तो Ag प्लस मतलब इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर लाइमन श्रेणी के लिए हम बात करेंगे तो लाइमन श्रेणी पहला नंबर का होता है, मतलब यहाँ पर N1 बराबर 1 होता है और N2 बराबर आप 2, 3, 4 जो भी ले सकते हो। ठीक, अधिकतम तरंग दैर्ध्य का कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट एक ऑर्बिट लेवल से हम यहाँ पर जम कराते हैं। मतलब यहाँ पर N1 बराबर 1 है तो यहाँ पर N2 बराबर N1 में लाएंगे तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य मिलने वाला है। इसके लिए फॉर्मूला होता है 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू R, रीडबर्ग कॉन्स्टेंट बोलते हैं इसको, और ये हो जाता है 1 बाय 1 स्क्वायर N1 का, और दूसरा N2 को आपको माइनस करना है तो N2 यहाँ पर रहेगा 2। ठीक, N2 बराबर क्या लेना है, 2, इस प्रकार से लेना पड़ेगा। 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू R, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 4, 1 में 1 बाई 4 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 3 बाई 4, 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू R, 3 बाई 4, तो लेमडा बराबर क्या मिलेगा अपने को, 4 बाई 3 R, कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है। आप सब में खोजते हैं तो 4 बाई 3 R यहाँ पर ये वाला आंसर इसके लिए सही आएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेकली लिखा गया है, ये R कहाँ पर रहेगा, नीचे में रहेगा, तो इसके लिए आंसर कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है। ठीक, या तो फिर अच्छा यहाँ पर कोई नहीं का ऑप्शन है तो यहाँ पर ये कौन सा आ जाएगा, कोई नहीं का ऑप्शन आ जाएगा। R ऊपर में है, यहाँ पर R नीचे में रहेगा, कोई नहीं का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन को वी वोल्ट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड में त्वरित करते हैं तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा। ये फार्मूला है, फार्मूला को रट्टा मान लीजिएगा। ये ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं आपके पास, और इसके लिए जो वैल्यू होता है लेमडा इज इक्वल टू होता है 1.23 और अंडर रूट भी NM, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 12.3 अंडर रूट भी और एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो ये यूनिट याद रखिएगा 1.23 डिवाइड बाय अंडर रूट भी, और भी यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक वोल्ट बताता है जिस वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाता है। ठीक, एंगस्ट्रॉम यूनिट में इस प्रकार से होता है, नैनोमीटर में दिया है क्वेश्चन और एंगस्ट्रॉम में भी दे सकता है। उस आधार पर अगर चेक करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर सी सही आएगा इसके लिए, 1.23 नैनोमीटर में या तो 12.3 एंगस्ट्रॉम में, तो यहाँ पर 12.3 नहीं है, सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन का भार होता है, तो इलेक्ट्रॉन का भार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का EMU में भार जो लेते हैं वो होता है 0.00523, इस प्रकार से रहता है। तो 0005 रहता है, 0005 खोजते हैं इसमें, तो ये 0005 है, ये 0005 है, और यहाँ पर सिंगल है, तो ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन का भार इसके लिए सही होगा। निम्न में से कौन सा कक्षक अक्ष पर उपस्थित नहीं होता है। ठीक, अक्ष पर उपस्थित नहीं होता है, यहाँ पर देखिए पीएक्स के बारे में, तो पीएक्स के लिए हम क्या करते हैं, पीएक्स का जो अक्ष होता है ये अक्ष पर ही होता है, जैसे कि हम एक्स अक्ष बनाते हैं और इसी में हम क्या बनाते हैं, ये लोब इस प्रकार से बना लेते हैं, पीएक्स अक्ष पर होता है, PY भी उसी प्रकार से अक्ष में होगा और DZ² भी अक्ष पर होता है, कुछ इस प्रकार से इसके लिए हम बनाते हैं ऑर्बिटर को। ये भी अक्ष पर होता है, ये भी अक्ष पर होता है, यहाँ पर बात करते हैं तो आप देखे होंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनाते हैं दो अक्षों के बीच में, तो यहाँ पर यही अक्ष पर उपस्थित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी। PX के लिए नोडल प्लेन की संख्या तथा L का मान क्या होगा। ठीक, नोडल प्लेन की संख्या किसको बोला जाता है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है 0, 1, 1, 1, 2, 1 या 1, 0 करके दिया हुआ है। नोडल प्लेन किसको बोला जाता है, तो नोडल प्लेन हम उसको बोलते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है किसी ऑर्बिटल में ना, और ऑर्बिट के बाहर जहां पर शून्य होता है हम उसको बोलते हैं नोड, और ऑर्बिटल के अंदर जहां पर पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है उसको बोला जाता है नोडल प्लेन। जैसे कि अगर पी ऑर्बिटल पर मैं बात करूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है, तो इसको हम बोलेंगे एक नोडल प्लेन। तो किसी ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही नोडल प्लेन होता है, चाहे पी एक्स पर बात करो, पी वाई पर बात करो, या पी जेड पर बात करो, या तो फिर आप डी ऑर्बिटल पर भी बात करोगे तो यहीं पर ही इलेक्ट्रॉन के घनत्व शून्य होती है। तो कोई भी ऑर्बिटल पर नोडल प्लेन की संख्या हमेशा एक होती है, और एल का मान क्या होगा, तो पी एक्स के लिए एल का मान, मतलब ये सीधा सीधा बोल रहा है पी का एल का मान क्या बताता है, 0, 1, 2, 3, जिसको आप SPDF करके लिखते हैं, पी के लिए बोला है तो एक हो जाएगा, तो दोनों के लिए क्या होने वाला है, 1, 1। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। एक कण जिसको 16 वोल्ट से त्वरित किया गया है,
किससे वो त्वरित किया गया, एक कण है जिसको 16 वोल्ट से त्वरित किया गया, संबंधित तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा। ठीक, तो अभी जैसे कि प्रॉब्लम मैं बता रहा था, ये वाला क्वेश्चन से आप इसको उठा सकते हो, 16 वोल्ट से त्वरित किया गया है 12.3, और इसको मैं 16 वोल्ट से त्वरित कर दूं तो एंगस्ट्रॉम यूनिट में अपने को आंसर देगा। ठीक, तरंग दैर्ध्य के लिए इस प्रकार से। तो अब इसको आगे सॉल्व करोगे आप, 12.3 इसको सॉल्व कर लेंगे अंडर रूट को, तो ये हो जाएगा 4, ये एंगस्ट्रॉम, 4 × 1 = 4, 3 = 12, और 0 × 4 = 5 = 4, 7 = 28, 3.07 के लगभग। ठीक, तो यहां पर देखिए एंगस्ट्रॉम में आएगा, बोला हूं ना मैं इसको, तो ये एंगस्ट्रॉम यूनिट में, ये वाला ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन परमाणु के nवें कक्षा की त्रिज्या होती है, nवें कक्षा की त्रिज्या आप किस प्रकार से लेते हैं, तो ये आता है nवें कक्षा की त्रिज्या, जैसे कि त्रिज्या के लिए हम फार्मूला लेते हैं, तो फार्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, 0.529 और एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर एंगस्ट्रॉम यूनिट में। किसी भी परमाणु के लिए त्रिज्या का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से लेना है। ठीक, तो उस आधार पर देखते हैं, तो ये जेड हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोला गया है, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए 1, तो यहाँ पर 0.529 एन का स्क्वायर एंगस्ट्रॉम यूनिट में इस प्रकार से मिलेगा। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक, आई होप ये क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से प्रॉब्लम दिया जा सकता है और कैसे सॉल्व करना है। और यहाँ पर मैं वो प्रॉब्लम नहीं उठाया हूँ जो क्लियरली आपको वीडियो लेक्चर में समझा चुका हूँ, लेक्चर जो बना है वीडियो उसमें मैं क्लियरली जो समझाया था, जो डायरेक्ट डायरेक्ट अगर लेक्चर से ही उठा जाता है तो उस टाइप से प्रॉब्लम मैं यहाँ पर नहीं लिया हूँ। हो सकता है कुछ इस टाइप से और क्वेश्चन भी मिसिंग हुआ है। मैं जहाँ तक कोशिश किया हूँ हर एक टॉपिक से, हर एक जो पॉइंट है वहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है उसको मैं कवर करने का कोशिश किया हूँ। ठीक, तो आप उसको अच्छा, ये जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं इसको अगर आप प्रैक्टिस अच्छा से कर लेते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा और डिस्टर्ब कर सकता है, वो है डाइपोल मोमेंट का। और किसी ने मेरे को कमेंट करके भी बोला था कि सर स्पेशली डाइपोल मोमेंट पर क्वेश्चन बनाइएगा, इतना ज़्यादा हार्ड ये टॉपिक नहीं होता है। डाइपोल मोमेंट एक्चुअल में आपको देखना होता है किसी कंपाउंड पर, यदि आपको डाइपोल मोमेंट देखना है तो डाइपोल मोमेंट देखने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लेंगे। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है वहां पर डाइपोल मोमेंट उस कंडीशन में ज्यादा होगा। एक पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ, रेगुलर स्ट्रक्चर जब पढ़ा रहा था, मतलब इसी पर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो वहां पर भी मैं डाइपोल मोमेंट का कुछ टॉपिक पॉइंट बताया हूँ। रेगुलर स्ट्रक्चर होता है तो वहां पर डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। ठीक, क्या होता है, जीरो। अगर इरेगुलर शेप है तो वहीं पर आपको डाइपोल मोमेंट का वैल्यू मिलने वाला है, और वो आपको अगर कंपेयरिंग देता है तो आप क्या करेंगे, ई एन से देखेंगे। ठीक, जैसे कि फ्लोरीन का ई एन ज्यादा होता है क्लोरीन से, और फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। लेकिन एक यहाँ पर अपवाद मिलता है आपको, जैसे कि सी एस थ्री के साथ एक्स लगाता है और पूछता है ये एक्स में ये चारों को ले लेता है और किसके लिए ज्यादा होगा। बोलने का मतलब यह है कि सी एच थ्री एफ, सी एच सी एल या सी एच बी आर, सी एच थ्री आई, इसमें से किसके लिए डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ज्यादा होगा। तो ये अपवादित है इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर खींचता है तो उसको रखने के लिए जगह भी होना चाहिए। हालांकि जगह होता है लेकिन यहाँ पर साइज छोटा होने के कारण से क्या हो जाता है, यहाँ पर इसका जो तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो ये प्रबल हो जाता है, इसलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है ये सबसे ज्यादा होता है, क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, इस प्रकार से आपको लेना है। जैसे कि मैं इसको दूसरा लेता हूँ, ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो दूसरा का सबसे ज्यादा होगा, फिर पहला का, फिर तीसरा का, फिर चौथा का। ठीक, इस प्रकार से आपको लेना है ये डाइपोल मोमेंट अगर पूछा जाए आपसे। तो अगर सिस ट्रांस का कंडीशन देता है तो आप वहां पर अगर सेम सेम डाल देगा तो सिस में डाइपोल मोमेंट मिलेगा और ट्रांस कंडीशन का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, याद रखिएगा। कोई कंपाउंड जिसमें ग्रुप को सेम कर दिया है सिस ट्रांस में और पूछता है कि किसमें डाइपोल मोमेंट होगा, तो ट्रांस में जीरो होगा और सिस में आपको डाइपोल मोमेंट मिलेगा, पॉइंट याद रखिएगा। और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम दिया जा सकता है, जैसे कि हम बात कर रहे थे सहसंयोजक बॉन्ड के बारे में और वहां पर कितना परसेंट आयनिक करेक्टर होता है, इसको सॉल्व करने आयनिक परसेंट आपको पूछा जाता है तो आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो
जो पिछले बार का जो आया हुआ क्वेश्चन है उसमें भी मैं सॉल्व करके बताया हूँ, आप वीडियो से देख सकते हैं। ज्यादा फिर वीडियो लेंदी होगा तो मैं फिर से प्रॉब्लम नहीं ले रहा हूँ। ये प्रॉब्लम जैसे कि परसेंट आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू ऑब्जर्वेबल और म्यू कैलकुलेशन इंटू 100 करके लेते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, म्यू ऑब्जर्वेबल आपको क्वेश्चन में दिया रहता है कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण इतना है, ठीक, इतना डिवाई है करके दिया रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको आपको क्या मानना है, म्यू ऑब्जर्वेबल मानना है। और म्यू कैलकुलेशन आपको वहां पर कुछ और पॉइंट दिया रहेगा, जैसे कि इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ इतना है। ठीक, म्यू बराबर फॉर्मूला होता है क्यू इंटू डी, और डी आपको बॉन्ड लेंथ के बारे में जानकारी देगा और क्यू वहां पर उसके लिए आवेश, और इसको आप रट्टा मान लीजिए 4.8 × 10⁻¹⁰ ESU लेना है, और इस बॉन्ड लेंथ को आपको सेंटीमीटर में लेना है। ठीक, इसको आपको सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा, और इसको आप रट्टा मान लीजिए, क्यू का वैल्यू आपको इस प्रकार से लेना है 4.8 × 10⁻¹⁰ ESU, डी को CM में लेना है, सेंटीमीटर में लेना है। तो जो वैल्यू आप यहां से मिलेगा म्यू का, वो बन जाएगा म्यू कैलकुलेशन। ठीक, यहां पर हम क्या करते हैं, 10⁻¹⁸ को एक फैक्टर निकालते हैं, 10⁻¹⁰ यहां से और 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर यहां से हम निकालेंगे, बाकी सबको यहाँ पर वैल्यू में रखेंगे और इसको फैक्टर बना के एक बोल देते हैं डी डीवाई। ठीक, आपको ऊपर वाला डीवाई में दिया रहेगा और नीचे को आप डीवाई में इस प्रकार से बना दीजिएगा, मतलब 10⁻¹⁸ को निकाल दीजिएगा, बाकी जो वैल्यू बचेगा उसको आपको मान लेना है सीधा सीधा म्यू कैलकुलेशन, और ये म्यू कैलकुलेशन फिर आगे सॉल्व कर लीजिएगा, परसेंट आयनिक करेक्टर आपका निकल जाएगा। ठीक, अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप पिछले वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर मैं प्रॉब्लम सॉल्व किया हूँ वहां पर, किसी एक वीडियो में सॉल्व किया हूँ वहां से आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से और अगर वीडियो चाहते होंगे तो मेरे को कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसी टाइप से और वीडियो अपलोड करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।